आपके सामने है हीरो सुपर स्प्लेंडर, इसका एक छोटा सा रिव्यू कर रहा हूं मैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसके मैं वेट की बात करूं 122 केजी का इसका वेट आता है। ये आप इसके एडिशन की बात कर रहे हैं, ये हीरो की बैजिंग है। सामने सुपर स्प्लेंडर इसके फ्यूल टैंक पर लिखा हुआ है। ये कुछ क्रम फिनिश के साथ इसका एक छोटा ग्लोव बॉक्स आता है जिसमें आप अपने डॉक्यूमेंट्स रख सकते हैं बाइक के। ये सामने का फेस है। लेंथ की बात करूं तो इसकी 2040 mm की लेंथ आती है। विड्थ की बात करूं तो 740 विड्थ आती है। ये हेडलाइट देख रहे हैं आप इसकी, ये फ्रंट टायर देख रहे हैं। हाइट की बात करूं तो 1102 mm की इसकी हाइट आती है। और व्हील बेस की बात करूं तो 1273 mm का व्हील बेस आता है इसमें। और सीट की बात करूँ 799 mm की सीट आती है। ट्यूबलेस टायर आते हैं इसमें और वन सिलेंडर इंजन के साथ आती है। दो व्यक्ति इसको बैठ के चला सकते हैं। एयर कूल्ड इंजन आता है इसका। इग्निशन CIDVD MI। और एक बात यह है, जो भी S6 आया उससे पहले वर्जन आ जाता था इसमें साइड स्टैंड की ये इंडिकेशन देती थी। और ये सामने इसका स्पीडोमीटर देख रहे हो जिसमें किलोमीटर बताता है। ये फ्यूल मीटर है इसका। ये इसका ट्रिप वन के लिए साइड इंडिकेटर, ये आप इसको 0 से मीटर को सेट कर सकते हैं उसके लिए है। माइलेज की बात करूँ 65 किलोमीटर प्रति लीटर इसकी माइलेज है। और पेट्रोल में आती है ये। व्हील साइज़ इसकी 18 इंची है। फ्रंट टायर इसका 80/100/18 का और इसका रियर टायर 90/90/18 का। फ्रंट ब्रेक ड्रम, रियर ब्रेक ड्रम ये क्रोम फिनिश है। ये फ्यूल टैंक के लिए इसकी नीडल है जिसमें आप रिजर्व मैन और ऑफ़ के लिए कर सकते हैं। बैटरी आती है साथ में, इसके सेल्फ स्टार्ट आता है। ये हीरो की बैजिंग देख रहे हो आप यहाँ, गियर लीवर। ये इसका टाइम स्टेनर है। ये इसकी बैटरी चार्जिंग के लिए केबल गई हुई है। ये पीछे के सस्पेंस हैं। ये पूरी गाड़ी ब्लैक कलर में आती थी। अभी मैं इसकी बात करूँ 2016 की थी ये। 74,700 रुपये की आपकी ऑन रोड पड़ती थी उस समय। ये साइड टर्न इंडिकेटर देख रहे हैं आप इसके। इसके मैं पावर की बात करूं तो 10.8 PS की पावर है इसकी 7,075 RPM पे। और मैक्सिमम टॉर्क की बात करूं तो 10.6 न्यूटन मीटर का टॉर्क है इसका 6,000 RPM पे। ओडोमीटर डिजिटल आता है, ट्रिप मीटर आता है। और इसका इंजन की बात करूं तो 124.7 cc का इसका इंजन आता है। सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड किक आती है। और इसमें 5-speed मैनुअल गियर ट्रांसमिशन आता है। बोर की बात करूं तो 52.4 mm का बोर है। स्ट्रोक की बात करूं 57.8 का इसका स्ट्रोक है। और कंप्रेसर की बात करूं तो 9.91 का कंप्रेसर है इसमें। और ये आप देख रहे हैं सुपर स्प्लेंडर 2009 और ये 16, दोनों का रिव्यू चल रहा है फिलहाल। ये 16 है जो आप ब्लैक कलर में देख रहे हो। इसमें इन दोनों में कोई अंतर नहीं, कलर का अंतर है। दूसरा इसमें सीसी का अंतर है, सीसी सेम है पर कुछ इसमें फीचर अलग दिए गए हैं। जो भी S6 उस समय नहीं आया था लेकिन इन्होंने कुछ अपग्रेड कर दिया था इसको। बाकी टायर साइज, इंजन साइज वही हैं। इसमें कुछ साइलेंसर में पत्ती कर चेंज कर दी थी और जो कुछ सिल्वर क्रोम फिनिश आती थी वो इन्होंने हटा दी है। अब ये पूरी बाइक ब्लैक ब्लैक दिखाई दे रही है और उसमें कुछ सिल्वर फिनिश का और क्रोम टचिंग का ये आप सामने देख रहे हो। इसका इंजन का हुआ चेन